Welcome to Exam Scores. Well, today we are going to cover chapter number 2 of class 3rd NCERT Marigold book, that is Poem Bird Talk. तो आज के वीडियो में हम क्लास थर्ड की जो एनसीईआरटी की मैरी गोल्ड बुक है उसका यूनिट 2 कवर करने वाले हैं, जिसमें पोम है बर्ड टॉक, उसे कवर करेंगे आज हम. सो लेट्स स्टार्ट. पोएट एलिन फिशर. सो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बर्ड टॉक पोएम है, दिस पोएम इज रिटन बाय पोएटेस एलिन फिशर. ये जो पोएम है वो पोएटेस एलिन फिशर ने लिखी है. ओके, सबसे पहले मैं आपको पोम के बारे में ये चीज बताना चाहती हूँ कि इस पोम में दो बर्ड्स आपस में बातचीत कर रही हैं. एक बर्ड है रॉबिन और दूसरी बर्ड का नाम है जय बर्ड. ओके, ये दोनों बर्ड्स आपस में बात कर रही हैं ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, लोगों के बारे में, कि पीपल जो है, जो लोग हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, क्योंकि उन्हें डिफरेंट दिखाई देते हैं पीपल खुद से. यानी कि अगर बर्ड्स अपने आप को कंपैरिजन करती हैं तो उन्हें बहुत सी चीजें डिफरेंट दिखाई देती हैं ह्यूमन बीइंग्स में. तो आपस में बात करती हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो किस तरीके से हमसे डिफरेंट है और वो कैसे ग्रो होते हैं, कैसे बढ़ते हैं. ओके, और साथ ही इसमें जो पोएट है उसने ये इमेजिन किया है, यानी कि जो एलिन फिशर है उन्होंने ये इमेजिन किया है कि अगर बर्ड्स आपस में बात करती होती तो वो हमारे बारे में क्या सोचती, यानी कि लोगों के बारे में क्या सोचती. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. थिंग सेड द रॉबिन, थिंग सेड द जे, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे. तो एक दिन की बात है, गार्डन में बैठे हुए दो बर्ड्स आपस में बात कर रही होती हैं. तो सबसे पहले रॉबिन बर्ड कहती है सोचो, उसके बाद जय बर्ड कहती है सोचो. थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल यू नो. सो यहाँ पर दोनों बातचीत करते हुए ये बोलती हैं कि सोचो पीपल के बारे में, लोगों के बारे में, कि किस तरीके से वो ग्रो होते हैं, कि वो बिल्कुल अलग तरीके से ग्रो होते हैं, कैसे बढ़ते हैं ये लोग. दे डोंट हैव फेदर्स, इनके जो बॉडी है उन पर फेदर्स ग्रो नहीं होते हैं, यानी कि जो फेदर्स हैं वो इनके बॉडी पर नहीं आते हैं. आप लोग देखिए, अगर कभी बर्ड को अगर हम कंपैरिजन करें अपने आप से, या फिर बर्ड अगर हमें अपने आप से कंपैरिजन यहाँ पर कर रही है, तो आप जानते ही हैं कि बर्ड सबसे पहले एग के अंदर होती है, फिर एग से जैसे ही वो बाहर आती है तो बहुत छोटी सी होती है, उसके बाद उसके बॉडी पर विंग्स आते हैं, फिर उन विंग्स के ऊपर फेदर्स आते हैं, तब जाकर के वो उड़ना शुरू करती है. ओके, सो वो वही चीज वो यहाँ पर मेंशन कर रही हैं बर्ड्स दोनों बात करते हुए, कि देखो लोगों को देखो कि वो कैसे बढ़ते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, इनकी बॉडी पर फेदर्स नहीं होते हैं. दे डोंट ईट बीटल्स. नाउ व्हाट आर बीटल्स? बीटल्स क्या होते हैं? स्मॉल इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े. ओके, तो वो यहाँ पर ये बात कर रही हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो तो बीटल्स भी नहीं खाते हैं. दे डोंट ग्रो विंग्स, इनकी बॉडी पर विंग्स भी नहीं होते हैं. They don't like sitting on wires and things. उन्हें बैठना पसंद नहीं होता. Wires यानी कि जो तार होती हैं, जैसे birds जब free time होता है तो वो कहाँ बैठती हैं? जाकर के तारों पर बैठ जाती हैं, buildings पर बैठ जाती हैं, car के ऊपर बैठ जाती हैं. तो क्या कभी किसी human being को देखा है आपने ऐसे तार पर बैठे हुए free time में, या फिर किसी कार के ऊपर जाकर बैठ जाता है? ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि कोई भी इंसान ऐसा करता है. तो वो यही बात कह रही है कि लोगों को देखो कि ये बिल्कुल डिफरेंट है. ना तो ये बीटल्स खाते हैं, ना ही इनकी बॉडी पर फेदर्स ग्रो होते हैं, ना ही इनकी बॉडी पर विंग्स आते हैं. इन्हें बैठना भी पसंद नहीं है, ना तो वायर्स पे और ना ही थिंग्स पर. थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, आर नॉट पीपल फनी टू बी दैट वे. सो यहाँ पर बर्ड्स फिर से आपस में बात करती हैं. रॉबिन बर्ड कहती है सोचो, फिर जय बर्ड कहती है सोचो. आर नॉट पीपल फनी टू बी दैट वे, कि ये जो लोग हैं वो इस तरीके से ग्रो होते हैं तो ये सब चीजें तो फनी हैं, बहुत ही मजाक वाली हैं. यानी कि उनके लिए ये मजाक है कि हम लोग बिल्कुल डिफरेंट वे में बढ़ते हैं, उनके लिए हम डिफरेंट वे में बढ़ते हैं. ऐसे ही अगर हम अपने आप को देखें और बर्ड्स को देखें तो हमें बर्ड्स डिफरेंट लगती है, तो अगर बर्ड्स हमारे बारे में बात करेंगी तो उन्हें हम डिफरेंट ऑब्वियस है कि लगेंगे. और साथ ही वो ये भी सोचेंगी कि हाँ ह्यूमन जो भी हैं ह्यूमन बींग्स वो कितने डिफरेंट है और वो कितने अलग तरीके से ग्रो होते हैं, तो ये चीज उनके लिए फनी है, मजाक है. ओके, Now the summary of poem. The poem is about the two birds who are talking with each other about the humans. तो यहाँ पर ये जो poem है ये दो birds के बारे में है, दो पक्षियों के बारे में है जो आपस में बात कर रहे हैं human beings के बारे में. The poet imagines what the birds might say about humans if they could talk.
तो यहाँ पर जो पोएट है एलिन फिशर है वो ये बात कर रही है या इमेजिन कर रही है कि अगर पक्षी आपस में बात करते होते तो वो इंसानों के बारे में क्या बात करते। ही फील्स दैट द बर्ड्स फाइंड ह्यूमंस फनी। जो पोएट है वो ये फील करती हैं कि सॉरी यहाँ पर शी होना चाहिए, मे बी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया हो, सो देयर इज अ मिस्टेक इन दैट बिकॉज एलिन फिशर जो है वो लेडी थी, सो यहाँ पर शी होना चाहिए। शी फील्स दैट द बर्ड्स फाइंड ह्यूमंस फनी। सो जो पोएटिस हैं वो ये फील करती हैं कि जो बर्ड्स हैं उनके लिए ह्यूमंस फनी है, यानी कि इंसानों का ग्रो करना उनके लिए फनी है। क्यों फनी है? बिकॉज दे डोंट हैव फेदर्स, डोंट ईट बीटल्स, डोंट ग्रो विंग्स एंड डोंट सेटिंग अप वाइज, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ग्रो होते हैं। ना तो इनकी बॉडी पर फेदर्स ग्रो होते हैं, ना ही ये बीटल्स खाते हैं, ना ही इनके विंग्स आते हैं और ना ही ये वायर्स पर बैठते हैं, इसलिए बर्ड्स को ह्यूमंस फनी लगते हैं। सो नाउ आपकी पोम के कुछ वर्ड्स जिनके मीनिंग हम आपको इसमें एक्सप्लेन करेंगे। बीटल्स, अ शाइनी एंड ब्लैक इंसेक्ट। तो जैसे कि मैंने आपको पोम में बताया था कि बीटल्स क्या होते हैं, ये एक इंसेक्ट होता है जो कीड़े होते हैं उनको बोलते हैं, और ये ब्लैक कलर का होता है और शाइनी यानी कि थोड़ा सा चमकदार होता है। सिटिंग, अ पोस्चर ऑफ रिमेनिंग सीटेड। सिटिंग यानी कि बैठे होना। ओके, सो ये जो सिटिंग है वो एक पोस्चर होता है जब कोई बैठा हुआ होता है। वायर्स, वायर्स होते हैं तार, अ थिन पीस ऑफ मेटल, मेटल का पतला सा जो टुकड़ा होता है या फिर एक पीस कहें हम पतला सा, उसे हम तार कहते हैं। सो वायर्स क्या होती है? तार होती है। फनी मतलब मजा, दैट मेक्स यू स्माइल। फनी यानी कि जो चीज आपको हंसाए वो चीज फनी होती है। ओके, सो ये वर्ड्स हैं आपकी पोएम के। नाउ एक्सरसाइज टाइम, नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का कि दो बर्ड्स जो कि पोएम में हैं उनके नाम बताओ। सो यहाँ पर हमने दो बर्ड्स के बारे में बात की थी, रॉबिन एंड जे। सो रॉबिन एंड जे आर द टू बर्ड्स इन द पोएम। क्वेश्चन नंबर टू, What are the three things that people can't do? Poem में ऐसी तीन कौन सी चीजें हैं जो लोग नहीं कर सकते हैं? So, काफी सारी चीजें बताई गई हैं कि लोगों के फेदर्स नहीं होते, लोगों के विंग्स नहीं होते, वो वायर्स पे नहीं बैठते, वो बिटल्स नहीं खाते, तो उन चार में से कोई भी तीन चीज हमें मेंशन करनी है। सो आंसर नंबर टू इज पीपल कांट ग्रो फेदर्स, जो लोग हैं उनके फेदर्स ग्रो नहीं हो सकते। पीपल कांट ईट बिटल्स, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बीटल्स नहीं खा सकते, इंसेक्ट्स नहीं खा सकते। पीपल कांट सिट ऑन वायर्स, और तीसरी चीज क्या है कि वो वायर्स पे नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पर ये थ्री थिंग्स है दैट पीपल कांट डू। द थ्री थिंग्स दैट पीपल कांट डू आर पीपल कांट ग्रो फेदर्स, पीपल कांट ईट बीटल्स एंड पीपल कांट सिट ऑन वायर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इज व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल। क्वेश्चन नंबर थ्री में ये पूछा जा रहा है कि जो पक्षी हैं वो लोगों को, लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। तो जैसे कि एंड में बताया गया है कि लोगों को वो फनी समझते हैं। फनी क्यों समझते हैं? क्योंकि उनके ग्रो करने का तरीका उन्हें फनी लगता है, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ग्रो होते हैं, इसलिए वो ह्यूमंस को फनी समझते हैं। सो बर्ड्स थिंक दैट ह्यूमंस आर फन। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री, बर्ड्स थिंक दैट ह्यूमंस आर फनी। ये जो पक्षी हैं वो ये सोचते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स फनी होते हैं। नाउ एक और एक्सरसाइज है आपके बुक में, लेट्स राइट, जिसमें आपको सेंटेंसेस मेक करने हैं कुछ वर्ड्स पर। नाउ राइट फोर सेंटेंसेस ऑन वर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन पर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, नाउ फर्स्ट वर्ड इज नेस्ट। सो नेस्ट घोंसले को कहते हैं, तो हम नेस्ट के लिए यहाँ पर एक सेंटेंस बना सकते हैं, द बर्ड्स लिव इन नेस्ट, कि जो पक्षी हैं वो घोंसले में रहते हैं, द बर्ड्स लिव इन नेस्ट। सेकंड वर्ड इज चर्प, चर्प यानी कि चहचहाना, तो बर्ड्स चर्प ऑन द ट्री, कि जो पक्षी होते हैं वो ट्री पर चहचहाते हैं। ओके, एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगी कि चर्प जो है उसका मीनिंग होता है चहचहाना, तो बर्ड्स जो है वो चर्प करते हैं ट्री पर यानी कि पेड़ पर, बर्ड्स चर्प ऑन द ट्री। द नेक्स्ट वर्ड इज वाटर, वाटर यानी कि पानी, सो बर्ड्स नीड वाटर टू ड्रिंक, पक्षी हैं उनको पानी की जरूरत होती है पीने के लिए। ओके, बर्ड्स नीड वाटर टू ड्रिंक। फोर्थ वर्ड इज फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो बर्ड्स फ्लाई करती हैं इन द स्काई।
ओके, फिफ्थ वर्ड इज विंग्स. सो विंग्स मैंने आपको बताया था कि विंग्स, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जो पक्षी होते हैं जब छोटे छोटे होते हैं तो एग के अंदर होते हैं, एग से बाहर आते हैं तो कुछ समय बाद उनकी बॉडी पर विंग्स ग्रो होते हैं. विंग्स के बाद विंग्स के ऊपर फेदर्स आ जाते हैं. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई जो बर्ड्स हैं उनके विंग्स होते हैं, कि बर्ड्स हैव विंग्स. ओके, या ये भी लिख सकते हैं हम इसमें, बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई. द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज Write words that rhyme with the words given below. So, यहाँ पर आपको कुछ words दिए गए हैं, तो आपको कुछ words बताने हैं जो उससे rhyme करते हैं, यानी कि उसकी जो last की जो धुन है वो match करती हो. अगर मैं grow बोल रही हूँ तो उससे मिलते जुलते ही मुझे दो तीन words और बोलने हैं जिसमें last में O की sound आए, like grow, know, throw. Okay? So, ये इसमें हमारा जो last का rhyme है वो match करता है. So first word is grow, और इसके साथ के rhyming words मैं आपको बता रही हूँ know and throw. Second word is day, and the rhyming words are bay, lay. Third word is think, and the rhyming words are blink, drink. Funny के साथ अगर हम rhyming words देखना चाहें तो sunny, bunny, okay, eat. And the rhyming words are neat, beat, sing. The rhyming words are ring, king. Okay? So, ये हमारे rhyming words हैं. इसमें आप कुछ और भी, अगर आपको कुछ और rhyming words मिल जाएं इनसे मिलते जुलते तो आप वो भी लिख सकते हैं. Okay? So, यहाँ पर हमारा exercise work भी finish होता है इस poem का. Next video में हम unit 2 की जो story है उसे cover करेंगे. Okay? Thanks for watching the video.